हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो स्किन है वो बेदाग होनी चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि हमारे चेहरे पर जो दाग धब्बे हैं वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आने चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा लाइट और ब्राइट होना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग दिखा सकें। और ऐसा करने के लिए हम बहुत सारे महंगे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार बहुत सारे महंगे कॉस्मेटिक्स जो क्लेम करते हैं वो सच भी होते हैं, और बहुत बार बहुत सारे कॉस्मेटिक कंपनीज जो क्लेम करते हैं वो झूठ साबित होते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार हमारा मेहनत से कमाया गया बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद और नेचुरोपैथी कभी भी हमें निराश नहीं करती है, क्योंकि हर एक शब्द जो आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में लिखा गया है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। और इस ट्राइड एंड टेस्टेड होने की वजह से कभी भी किसी भी व्यक्ति को निराशा हाथ नहीं लगती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि रिजल्ट्स किसी को जल्दी और किसी को लेट आए, किसी को कम और किसी को ज्यादा आए, क्योंकि हम सभी की जो स्किन है वो बहुत अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करती है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव हैं और हम पेशेंट्स के साथ किसी भी होम रेमेडी को यूज करते हैं, सो डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। और एक और चीज जो हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई भी DIY यूज कर रहे हैं, कोई भी होम रेमेडी यूज कर रहे हैं, उसे प्रॉपर टाइम दीजिए। कम से कम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का समय दीजिए, क्योंकि ये कोई स्टेरॉइड नहीं है कि आपने लगाया और अगले दिन आपकी स्किन चमकने लगेगी। ये नेचुरल चीजें हैं, ये पोटेंट चीजें हैं जो धीरे धीरे आपकी स्किन के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं। सो मेक श्योर कि जो भी आप इस चैनल पर देखते हैं, हर नेचुरल रेमेडी को आपको लंबे समय तक फॉलो करना है और साथ के साथ अपनी पॉजिटिव एंड पेशेंसफुल अप्रोच रखनी है, ताकि आप अच्छे रिजल्ट अचीव कर पाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक DIY स्किन वाइटनिंग एसेंस के बारे में। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, एसेंस क्या होता है? दोस्तों, एसेंस एक वाटरी सॉल्यूशन होता है जो कि हमारी स्किन के अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशंस वैल्यूज को इनपुट करता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा लाइट, ब्राइट, ग्लोइंग और एजलेस होती हुई नजर आती है। अब आपका सवाल आएगा कि ये टोनर से कैसे अलग है? दोस्तों, टोनर के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बेसिकली हमारे पोर्स को रिफाइन करने की होती हैं, हमारी स्किन के pH को मेंटेन करने की होती हैं, लेकिन उसके अंदर किसी भी तरह से हमारी स्किन को रिजुविनेट करने की या हमारी स्किन को रिवाइटलाइज करने की प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। सो एसेंस एंड टोनर के अंदर सबसे पहला तो डिफरेंस ये है। नंबर दो, आपका सवाल आएगा कि सर सीरम्स और एसेंस में क्या फर्क है? देखो, जो सीरम्स होते हैं वो थोड़े से ऑयली होते हैं, थोड़े से स्टिकी होते हैं, जिसकी वजह से हम उसे नाइट में लगाते हैं। लेकिन एसेंस जो है, आप उसे अपना मॉइस्चराइजर लगाने से पहले या सनस्क्रीन लगाने से पहले अपने चेहरे पर दिन में भी लगा सकते हो, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर चिपचिपाहट नहीं होती है। और जो एसेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पोटेंट हर्ब्स की मदद से बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन को 100% रिजल्ट मिलते हैं। हाँ, ये फर्क हो सकता है कि किसी को जल्दी, किसी को देर से, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, क्योंकि हर एक स्किन का रिस्पॉन्स अलग अलग है। सो अब इस स्किन वाइटनिंग एसेंस को कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लगभग 300 ml पानी चाहिए। पानी अगर आरओ का होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, वैसे अगर आप पानी को उबालेंगे तो उसके अंदर जितने भी जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सो 300 ml पानी जो हम ले रहे हैं वो लेकर के हम यहाँ पर बना पाएंगे 100 ml एसेंस। मतलब अगर आपको 100 ml से ज़्यादा एसेंस बनाना है तो आप उसके गुणा करके या उसके मल्टीप्लीकेशन करके या उसके प्रपोर्शनेटली आप उससे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 300 ml अगर हम पानी लेंगे तो हमें 100 ml एसेंस यहाँ पर बन करके मिलने वाला है। सो इस पानी को एक बर्तन के अंदर रख दीजिए और रख करके आप इसे गैस पर चढ़ा दीजिए, इंडक्शन पर रख दीजिए और अच्छे से इसे उबलने दीजिए। उबल जाए जब ये 1 से 2 मिनट के लिए, तो इसके अंदर अब आपको 3 चीज़ें ऐड करनी है। पहली जो चीज़ दोस्तों आपको इसके अंदर ऐड करनी है वो है आपको लिकरिश पाउडर, या जिसको कि हम मुलैठी पाउडर कहते हैं। सो लिकरिश पाउडर जो है वो आयुर्वेद के अंदर, नेचुरोपैथी के अंदर बहुत अच्छा एक स्किन लाइटनिंग एजेंट माना गया है। और बहुत सारी कंपनीज जो सीरम्स बनाती हैं या जो बहुत सारी कंपनी
कंपनीज की लाइटनिंग क्रीम्स बनाती हैं वो भी लिकरिश पाउडर का या लिकरिश एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करती हैं अपने कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ताकि वो भी अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें। सो हमने यहाँ पर 300 ml पानी लिया है। इस 300 ml पानी के अंदर लगभग हमें 10 से 15 ग्राम के आसपास लिकरिश पाउडर डालना है। लिकरिश पाउडर परचेज करने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नंबर दो जो चीज़ दोस्तों हमें इसके अंदर ऐड करनी है वो है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर के अंदर होता है विटामिन सी। विटामिन सी स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज से रिच होता है और साथ के साथ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी उसके अंदर बहुत सारी होती हैं। सो लगभग 10 ग्राम के आसपास हम इसके अंदर आंवला पाउडर ऐड कर देंगे। नंबर तीन जो चीज़ दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करनी है वो है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर। गुड़हल के जो फूल होते हैं उनका पाउडर हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। सो गुड़हल के जो फूलों का पाउडर होता है ना, बेसिकली दोस्तों वो बहुत सारे एंजाइम से रिच होता है और ये एंजाइम्स हमारी स्किन को रिजुविनेट करते हैं, हमारी स्किन को रिवाइटलाइज करते हैं और हमारी स्किन को जो एजिंग प्रोसेस आ रहा होता है उसको धीरे धीरे डिले करके हमारी स्किन को वापस यूथफुल अपीयरेंस देने में हमारी मदद करते हैं। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर तीनों ही चीज़ों को 10-10, 12-12 ग्राम डालना। सो मेक श्योर कि आप तीनों में से किसी भी एक चीज़ को मिस ना करें, राइट? अब आपने 300 ml पानी के अंदर इन तीनों चीज़ों को मिला दिया, अच्छे से आप इसे उबलने दीजिए जब तक कि ये पानी आपका 100 ml नहीं रह जाता, मतलब कि तीसरा हिस्सा आपका बच नहीं जाता है। जब आपका ये हो जाए उसको ठंडा हो जाने दीजिए। ठंडा हो जाने के बाद अब आप इसे छान लीजिए और छान करके एक कटोरी में या एक बाउल के अंदर रख लीजिए। अब इस लिक्विड के अंदर आपको तीन चीज़ें ऐड करनी है। नंबर वन, आप ऐड करेंगे रोज़ वाटर। रोज़ वाटर हमें यहाँ पर ऐड करना है 2 tablespoons, ताकि हमारी स्किन के ऊपर जब हम ये लगाएं तो ये हमारी स्किन को लाइटनिंग इफेक्ट भी दें, साथ के साथ ये हमारी स्किन के pH को भी मेंटेन करके रखें। सो pH को जब हम मेंटेन करके रखते हैं तो हमारी स्किन अपने आप नेचुरली बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है। सो पहली चीज़ हमने मिला दी 2 tablespoons रोज़ वाटर। दूसरी चीज़ मिलानी है हमें 1 tablespoon यहाँ पर ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है जो हमारी स्किन को हाइड्रेशन देता है, हमारी स्किन को नमी देता है, हमारी स्किन को डिहाइड्रेशन से बचाता है और साथ के साथ इसकी वजह से हमारी स्किन में यूथफुल अपीयरेंस भी हमें मिलती है। सो इसे हमें 1 tablespoon ऐड करना है। और नंबर थ्री, जो नंबर लास्ट जो चीज़ दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करनी है वो इसके अंदर हमें कुछ पत्तियाँ जो हैं वो ग्रीन टी की ऐड कर देनी है। ग्रीन टी जो है वो बहुत ही अच्छा एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी स्किन को एज फ्री रखने में हमारी मदद करता है। तो ग्रीन टी की जो पत्तियाँ हैं वो हमेशा इसके अंदर जब आप डालेंगे तो नीचे सेटल हो जाएंगी, तो जब भी आप यूज़ करेंगे हमेशा इसे शेक करके आप इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। अब आपका ये DIY स्किन वाइटनिंग एसेंस बनके तैयार है। अब इसे जब आपको लगाना है तो उससे पहले आपको अपने चेहरे को बहुत अच्छे से वॉश करना है फेस वॉश की मदद से। फेस वॉश हमेशा आपका बहुत ज़्यादा सूदिंग एंड हाइड्रेटिंग होना चाहिए। सूदिंग एंड हाइड्रेटिंग जब भी आप फेस वॉश की बात करते हैं तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको यहाँ पर स्किन अफेयर्स का विटामिन सी फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहिए। स्किन अफेयर्स का विटामिन सी फेस वॉश जो है वो अपने आप में एक प्रूवन फेस वॉश है जो आपकी स्किन को लाइटनिंग, ब्राइटनिंग एंड एजलेस प्रॉपर्टीज देने में आपकी मदद करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नमी युक्त रहती है और एजिंग प्रोसेस से भी आप उसको बहुत ज़्यादा दूर रख सकते हैं। सो स्किन अफेयर्स फेस वॉश को परचेज करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा। अब आपको फेस वॉश करने के बाद इस टोनर को या इस एसेंस को एक कॉटन में लेना है और कॉटन में लेकर के अपने चेहरे पर एक अच्छी सी एक लेयरिंग बना देनी है। 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 5 से 10 मिनट के बाद अब आप अपने चेहरे के ऊपर मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, सनस्क्रीन लगा सकते हैं या जो भी मेकअप का प्रोडक्ट आप लगाना चाहते हैं उसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस प्रोसेस को आप सुबह भी रिपीट कर सकते हैं और शाम को जब आप सो रहे हैं, रात को आप सो रहे हैं तो भी आप रिपीट कर सकते हैं। एंड आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपकी स्किन के अंदर लगभग 2 से 3 shades की लाइटनिंग इफेक्ट आपको दिखाई देना शुरू हो गया है। सो ये बहुत ज़्यादा पोटेंट एक स्किन वाइटनिंग एसेंस है। इसे परचेज अगर आप मार्केट से करते हैं तो हजारों रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन ये आप स्किन वाइटनिंग एसेंस बहुत ही कम दाम में अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। सो मेक श्योर कि इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें, फिर आपका जो भी फीडबैक होता है हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो परिवार, हमारी जो फैमिली बहुत ज़्यादा क्लोज है आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी के, वो इस रिजल्ट्स को देख करके ज़रूर अमेजिंग रिजल्ट्स ज़रूर पा पाएगी।
अब आपका सवाल आता है कि इसे कितने दिन के लिए बना के रख सकते हैं। तो इसे आप अगर 100 ml बना रहे हैं तो लगभग एक महीने के लिए ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर आंवला भी आपने डाला हुआ है जो कि अपने आप में एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। दूसरी बात, अगर आप इसे लगाना चाहें तो 16 साल के ऊपर किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को आप इसे लगवा सकते हैं। मेल, फीमेल, बच्चा, बुजुर्ग, कोई भी इसे बहुत आसानी से लगा सकता है। इसे आप रखने के लिए हमेशा रेफ्रिजरेट करके रखें ताकि किसी भी तरह से इसमें कोई बदबू या कोई स्मेल ना डेवलप हो, ताकि आप इसे लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स अचीव कर सकें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे और जिस तरह से ये चैनल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है बिल्कुल वैसे ही बढ़ता रहेगा। आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।